नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बेशक विवेक तिवारी के हत्याकांड में दोनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करके जेल भेज दिया हो, लेकिन आग की लपटें अब भी जोरों पर हैं। अब तक तो इस सिलसिले पर विपक्षी पार्टी ही लगातार योगी सरकार को कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी के ही बड़े नेता ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे पूरी बीजेपी के पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तिवारी के हत्याकांड पर प्रदेश पुलिस के साथ साथ योगी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने ये आरोप एक ट्वीट के माध्यम से लगाए हैं। राजभर ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजधानी लखनऊ में एक आम शहरी की पुलिस की ओर से हत्या कर दी गई। एनकाउंटर के नाम पर पैसा लेकर पुलिस की ओर से हत्याएं की जा रही हैं। प्रदेश में जुर्म का एक बाल कायम है, कानून व्यवस्था की मजाक बनी हुई है। आगे ट्वीट में लिखा, योगी जी ना तो प्रदेश में अपराध कम करने में सफल हुए हैं और ना ही जनता को सुरक्षा का एहसास करा पाए हैं। साथ ही उन्होंने योगी जी की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ट्वीट में लिखा, योगी सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह से फेल है, पुलिस लीपापोती करने में लगी है। उन्होंने विवेक तिवारी मामले की सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। अब आपको मंत्री जी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर ये किस पेड़ के आम हैं और इनका ये बयान पार्टी के लिए क्या अटकल पैदा कर सकता है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में काशीराम के समय में राजनीति शुरू की। 2001 में इनका बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती से विवाद हो गया था और विवाद की वजह थी राजभर भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रख दिया जाए, लेकिन मायावती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और 2004 में अपनी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी बना ली। 2004 से चुनाव लड़ रही भाजपा ने यूपी और बिहार के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए, मगर ज्यादातर मौकों पर जीतने से ज्यादा खेल बिगाड़ने वाले बने रहे। लेकिन बाद में इन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और जिसके चलते बीजेपी ने 2017 में ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बना दिया। यानी कि कई मायनों में राजभर का तिवारी हत्याकांड में बयान योगी सरकार के आगे चुनौती भरा साबित हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।